साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में एक और सबसे बड़ी बहाली 21,391 पद की बहाली, जिसका रिटेन एग्जामिनेशन जो है आपका अगस्त महीने में अगर देखा जाए तो पूरा एक महीना इसका एग्ज़ाम शेड्यूल करके इसका एग्ज़ाम लिया गया। अब यहाँ पे छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और अपडेट आ जाता है, जहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दिया जाता है जिसमें ताति और ततवा जाति से संबंधित जो छात्र एससी कैटेगरी में थे उनको एबीसी में डाल दिया गया है। इसके लिए आप लोगों को एक प्रपत्र दिया गया यहाँ पर, और इसको चेंज कैटेगरी करने का ऑप्शन भी दिया गया। तो आप लोग ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये नोटिस भी देखा होगा, 29 अगस्त को ये अपडेट दे दिया गया था। फिलहाल छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, ये खबर कुछ न्यूज़ अपडेट न्यूज़ मीडिया प्रिंट मीडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर आप लोगों का 21,391 पद का जो बहाली है इसका रिटेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अक्टूबर महीने के लास्ट तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक जो है आप लोगों का रिजल्ट आने का संभावना तिथि बताया गया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, चूँकि देखिए न्यूज़ मीडिया कहीं ना कहीं तो इसकी खबर की पुष्टि करता ही है कि ये जो रिज़ल्ट है यहाँ तक संभावित आ जाएगा। मैं आपको दिखलाऊंगा, वो न्यूज़ भी दिखलाऊंगा यहाँ पे, लेकिन इसका प्रोसेस समझिएगा। 21,391 पद का जो बहाली है, इस बहाली में 5 गुना छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि लगभग 1,06,000 कैंडिडेट जो होंगे वो जाएंगे आपके फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट को देने, यानी कि PET देंगे। और बनेगा आपका मेरिट किस पे, तो PET पे बनेगा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा उस पे बनेगा। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। तो इसका जब नोटिफिकेशन पे पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे, तो लिखित परीक्षा का जो मेधा सूची है वो आपके आधार पे नहीं होगा, जबकि लिखित परीक्षा केवल एक जो है यहाँ पर पात्रता परीक्षा है। अगर शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के अर्हता को आप यहाँ पर पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लिखा गया कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार जो है यहाँ पे अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको कॉल किया जाएगा, आप यहाँ पे पास होंगे। तो कितने पास होंगे, तो लगभग 5 गुना छात्रों को यहाँ पे आपके अंक के आधार पे बुलाया जाएगा। अब इसमें 3 तरह की स्पर्धाएं हैं, जैसे कि आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, और यहाँ पर गोला फेंक होगा, और यहाँ पर इन तीनों के लिए आपको कुछ अंक मिलेंगे। अब ये अंक कितने होंगे ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि 12th पास और इंडियन आपका नागरिक होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पर पुरुषों के लिए शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें, तो ऊंचाई, सीना और वजन, ये आपका जो है आता है शारीरिक मापदंड में, यानी कि हाइट में। तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, पहली चीज़। तो दूसरा चीज़ कि 160 सेंटीमीटर जो है EBC पुरुषों का होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 होना चाहिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए, और OBC के लिए भी 165 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये तो आप लोगों को होगा, तभी आप लोगों ने आवेदन किया होगा। चेस्ट मेजरमेंट की बात कर ले यहाँ पे, तो 21 सेंटीमीटर बिना फुला और 86 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी है, तभी आप जो है रिटेन टेस्ट पास करेंगे तो आप यहाँ पे फिजिकल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बिना फुलाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी वही सेम यहाँ पे कंडीशन है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो SC ST वालों के लिए जो छात्र हैं उनके लिए 79 और 84 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे न्यूनतम अर्हता रखा गया है चेस्ट मेजरमेंट का। महिलाओं का यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे उनका जो है वजन देखा जाता है कि 48 केजी की है या नहीं है, ठीक है। किन्नर जो यहाँ पे कम्युनिटी है या थर्ड जेंडर जो कम्युनिटी है उनके लिए भी सारे मापदंड जो है महिलाओं वाला होता है, इसलिए इनका भी यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है जो छात्र पास करेंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा दूसरे चरण में। दूसरा चरण में आपका होगा दौड़, पहली चीज़ तो जान लीजिएगा 50 अंक वहाँ से आपको कैसे मिलेंगे। देखिए पुरुषों के लिए जो दौड़ होगा वो 1.6 किलोमीटर लगभग 1 मील कहलाता है, तो ये 6 मिनट का दौड़ होता है। अब इसको आप 5 मिनट में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो सीधे तौर पे आपको 50 अंक ऐसे ही मिल जा रहा है। अगर इसको 5 मिनट 20 सेकंड लगा के कंप्लीट करें तो 40 अंक मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड लग रहा है आपका तो 30 अंक मिलेगा, और अगर 6 मिनट लगा रहे तो 20 अंक तो कहीं नहीं जा रहा आपका। लेकिन 6 मिनट से आप ज़्यादा समय लगाएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो पहला क्वालिफिकेशन का ये आपका प्रोसेस का क्राइटेरिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, वहाँ पे 1.6 था पुरुषों के लिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और 5 ही मिनट इनको दिया जा रहा है।
अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप ये दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट कर लेती हैं तो 50 अंक आपको मिल जाएगा, वहीं 4 मिनट 20 सेकंड लगाती है तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड लगता है तो 30 अंक, और 5 मिनट लगता है तो 20 अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा समय लगाइएगा तो वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको वहीं से। फिर दूसरा जो इसका जो फेज है गोला फेंक वाला, उसमें नहीं जा पाइएगा। तो ये तो हो गया दौड़ का। अब गोला फेंक में 25 अंक मिलेगा। पुरुषों के लिए यहाँ पे 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। अब आपने 16 से ज़्यादा फेंक दिया, 16 से 17 फीट के बीच में फेंक दिया तो 9 अंक, 17 से 18 फीट फेंक दिया तो 13 अंक, 18 से 19 फीट फेंक दिया तो 17, और 19 से 20 फीट फेंक दिया तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो सीधे तौर पर 25 अंक। लेकिन ध्यान रखिएगा 16 फीट से अगर कम फेंका आपने तो डिसक्वालीफाई यहीं हो जाइएगा। हर एक फेज में यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन डिसलेक्शन में बदल सकता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए यही सेम चीज़, 12 पाउंड का गोला रहेगा और ये 12 फीट फेंकना होगा। इसमें भी अंक निर्धारित है, 12 से 13 फीट अगर फेंक देती है तो 9 अंक मिलेगा, 13 से 14 फीट फेंक देती है तो 13 अंक, 14 से 15 फीट फेंक देती हैं तो 17, और 15 से 16 फीट तो 21, और 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो सीधे 25 अंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर गोला फेंक। अब ऊंची कूद, ऊंची कूद में भी आपको 25 अंक है। ऊंची कूद में जनरली छात्र जो है ना डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग टाइगर जंप वगैरह के चक्कर में भी बहुत फंसते हैं, बहुत से जगह ट्रेनिंग वैसा लिया रहते हैं जो कि आप लोग का डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस बन जाता है। लेकिन ऊंची कूद जो है यहाँ पे 25 अंक का ही है, और 4 फीट न्यूनतम आपको कम से कम तो ऊँचाई आपको फानना ही है। अगर 5 फीट आपने फान लिया है ना ऊंची कूद लॉन्ग जंप, तो ये आपका जो है 25 अंक मिल जाएगा। और 8 इंच है तो 21 अंक, और 4 फीट 4 इंच जंप किया तो यहाँ 17 अंक, और 4 फीट किया तो कम से कम 13 अंक तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो यही सारा जो अंक है आप लोग का नंबर बनाता है, मेरिट बनाता है, जिसके आधार पे आप लोग का सिलेक्शन मेरिट बनता है, मेधा सूची इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो लॉन्ग जंप है यहाँ पे महिलाओं के लिए 3 फीट का रखा गया है, तो उनके लिए जो सबसे हाईएस्ट है वो 4 फीट अगर कर जाती हैं तो 25 अंक, और अगर कम से कम 3 फीट कीजिएगा तो 13 अंक। ये आपके अंक का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया, इसके आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा। अब रही बात की जो कि देखिए क्या है कि यहाँ पे आप लोग का कट ऑफ जो कितना आएगा कि आप जो है पीईटी के लिए सेलेक्ट हो जाइएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर छात्रों के मन में हमेशा ये चीज़ रहता है। उससे पहले ये न्यूज़ देख लीजिएगा जो कि जनसत्ता की तरफ से अपडेट किया गया है आज, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पर रिजल्ट है वो परिणाम है यहाँ पे हमको संभावित कट ऑफ के साथ बताया गया है। तो ये 6 घंटे पहले ही इसको अपडेट किया गया था आज के डेट में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर के अंत तक जारी किया जा सकता है, और CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और परिणाम जल्द ही जारी होगा। जिन कैंडिडेट ने परीक्षा दिया है वो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। यहाँ पे आपको बता दें कि जो रिजल्ट होगा आप लोगों का आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF के फॉर्मेट में आ जाएगा और PDF फाइल आप लोगों को अपडेट करके दिया भी जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो आप लोगों का अपडेट दिया गया है। इस बहाली की प्रक्रिया में लगभग 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 9,63,563 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए और 21,391 पदों के लिए आयोजित हुई है परीक्षा। लिखित परीक्षा में कैंडिडेट शारीरिक यानी कि PST की परीक्षा देंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो कट ऑफ का जो अपडेट है ना, मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे तो 60 से 62 नंबर या मैक्सिमम 65 नंबर आप मान के चलिएगा जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग 75-72 बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है, कैंडिडेट भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, और चूंकि नॉर्मलाइजेशन होगा इसलिए कट ऑफ आपका 60 से 62 से 65 के बीच में रहेगा। मैं आपको एक टेंटेटिव बता रहा हूँ कि 65 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस बीच में आपका कट ऑफ रहेगा।
वहीं पे जो बीसी कैटेगरी है उसका भी देखिएगा तो 50 से 55 के बीच में रह सकता है, मतलब 55 से अगर मैं कहूँ तो 58 तक का जाएगा, 55 से 58 तक का जो है ये कट ऑफ बीसी मेल में रहेगा। ईबीसी में देखिएगा तो लगभग जो है 53 से 55 के बीच में रह सकता है ये ईबीसी मेल। और बीसी वुमेन की बात करिएगा यहाँ पर तो कम से कम यहाँ पर इनका 48 का जो है कट ऑफ रह सकता है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपना कटअप भी देख सकते हैं। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 45 मार्क्स भी अगर आप लेकर आ रहे हैं या 47 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं आप लोग तो आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे तय है। महिलाओं में यहाँ पे बात करें तो लमसम यही रहेगा, यहाँ पे इससे कम नहीं रहेगा, 45 से 47 इनका भी रहेगा, महिलाओं का भी कट ऑफ। तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों हमने अपनी तरफ से अपडेट किया है, जो न्यूज़ था न्यूज़ अपडेट आपको करके बता दिया है। इंतज़ार की घड़ी इसी महीने आपका ख़त्म हो जाएगा और ऑल द बेस्ट फॉर द पीईटी एग्ज़ाम, तैयारी में लगे रहिए अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो। जय हिंद।